नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज हुई सेक्शन 375 और ड्रीम गर्ल के 4 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे पिछले हफ्ते रिलीज हुई छिछोरे फिल्म के 11 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे दोस्तों इन तीनों फिल्मों में कौन सी हिट रही और कौन सी हो चुकी है फ्लॉप। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें अगर सेक्शन 375 के बारे में, तो इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज पूरे हो चुके हैं 4 दिन। आपको बता दें दोस्तों, फिल्म एक कोर्ट रूम ड्रामा मूवी है जिस फिल्म में नजर आ रहे हैं अक्षय खन्ना और उनके साथ में है ऋचा चड्ढा। फिल्म का बजट था 15 करोड़ रुपये और फिल्म को ऑल इंडिया में लगभग 900 स्क्रीन में रिलीज किया गया था। दोस्तों आपको बता दें, फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग ली थी 1 करोड़ 45 लाख रुपये से, लेकिन फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले जिसके कारण फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन में लगभग 50% की ग्रोथ आई और फिल्म ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाए 3 करोड़ 7 लाख रुपए। वहीं दोस्तों फिल्म का तीसरे दिन का कलेक्शन यानी संडे का कलेक्शन अपने पहले और दूसरे दिन से भी ज्यादा रहा और फिल्म ने तीसरे दिन कमाए 4 करोड़ 50 लाख रुपए। वहीं दोस्तों अगर बात करें फिल्म के चौथे दिन के कलेक्शन की, तो यह फिल्म चौथे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर रही है 1 करोड़ 60 लाख रुपए का। इसी के साथ दोस्तों सेक्शन 375 का 4 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 10 करोड़ 62 लाख रुपए, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 13 करोड़ 50 लाख रुपए। और अगर बात करें ओवरसीज कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म के ओवरसीज कलेक्शन अभी तक आया है लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों सेक्शन 375 का 4 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 17 करोड़ रुपए। आपको बता दें दोस्तों, फिल्म जिस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर रही है उसे देखते हुए लग रहा है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सीधी क्लीन हिट हो जाएगी। अब अगर बात करें पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म छिछोरे के बारे में, तो दोस्तों छिछोरे फिल्म को डायरेक्ट किया था नितेश तिवारी ने और फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में हैं वरुण शर्मा, श्रद्धा कपूर और सुशांत सिंह राजपूत। दोस्तों फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज पूरे हो चुके हैं 11 दिन और फिल्म ने 11 दिनों में मैजिकल आंकड़ा पार कर दिया है। या दोस्तों अगर बात करें फिल्म के बजट की, तो फिल्म का बजट था 70 करोड़ रुपए। वही दोस्तों इस फिल्म को इंडिया में लगभग 1550 स्क्रीन में रिलीज किया गया था और ओवरसीज मार्केट में फिल्म को मिली थी 400 स्क्रीन, यानी कि छिछोरे फिल्म वर्ल्ड वाइड लगभग 2000 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। आपको बता दें दोस्तों, फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग ली थी 7 करोड़ 32 लाख रुपए से और फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में यानी शुरुआती 7 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर नेट कलेक्शन कर लिया था 68 करोड़ 83 लाख रुपए का। वही दोस्तों बात करें दूसरे हफ्ते के कलेक्शन की, तो दूसरे हफ्ते में रिलीज हो चुकी थी ड्रीम गर्ल, जिसकी वजह से इस फिल्म की स्क्रीन काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन कम स्क्रीन पे भी फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते में काफ़ी बढ़िया कारोबार किया। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने दूसरे हफ्ते में 8वें दिन कमाए 5 करोड़ रुपए, 9वें दिन कमाए 11 करोड़ रुपए, वही 10वें दिन फिल्म का कलेक्शन आया 13 करोड़ रुपए। बात करें हम 11वें दिन के कलेक्शन की, तो ये फिल्म 11वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कमा रही है 4 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों छिछोरे फिल्म का जो शुरुआती 11 दिनों का ऑल इंडिया कलेक्शन होता है वो हो चुका है 100 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने 100 करोड़ का मैजिकल नंबर पार कर दिया है। वहीं अगर बात करें ग्रोस कलेक्शन की, तो फिल्म का इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 118 करोड़ रुपए, वहीं ओवरसीज का ग्रोस कलेक्शन हुआ है 19 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों छिछोरे फिल्म का वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन बनता है वो हो चुका है 137 करोड़ रुपए का। आपको बता दें दोस्तों, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है हिट। वही दोस्तों बात करें इसी हफ्ते रिलीज हुई फिल्म ड्रीम गर्ल के बारे में, तो दोस्तों ड्रीम गर्ल फिल्म एक कॉमेडी मूवी है जिस फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में है आयुष्मान खुराना, अन्नू कपूर, विजय राज और नुसरत भरूचा। बात करें फिल्म के बजट की, तो दोस्तों फिल्म का बजट है 30 करोड़ रुपये, वही इस फिल्म को इंडियन मार्केट में 2100 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और ओवरसीज मार्केट में फिल्म को मिली थी 400 स्क्रीन, यानी कि फिल्म वर्ल्ड वाइड लगभग 2500 स्क्रीन पर रिलीज हुई है। अगर बात
रही फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ 5 लाख रुपए की ओपनिंग ली थी और ये फिल्म आयुष्मान खुराना के करियर की हाईएस्ट ओपनर फिल्म बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों फिल्म के कलेक्शन में दूसरे दिन एक बड़ा ग्रोथ देखने को मिला और फिल्म ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाए 16 करोड़ 42 लाख रुपए। वहीं दोस्तों अगर बात करें तीसरे दिन के कलेक्शन की, तो तीसरे दिन फिल्म के कलेक्शन और भी ज़्यादा आए। जी हाँ दोस्तों, फिल्म को काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले और फिल्म लोगों को पसंद आ रही है, इसी के कारण फिल्म के कलेक्शन दिन पे दिन काफ़ी बढ़िया आए और फिल्म ने अपने तीसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर नेट कलेक्शन किया लगभग 18 करोड़ 10 लाख रुपए का है। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का पहला वीकेंड यानी शुरुआती तीन दिनों का कलेक्शन 44 करोड़ 57 लाख रुपए हो चुका था। अगर बात करें चौथे दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों ये फिल्म चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर कमा रही है लगभग 7 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का चार दिनों का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 51 करोड़ 57 लाख रुपए। वहीं इंडिया का ग्रोस कलेक्शन 62 करोड़ रुपए और ओवरसीज मार्केट का ग्रोस कलेक्शन 13 करोड़ रुपए। यानी कि ड्रीम गर्ल फिल्म का चार दिनों का वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन जो होता है वो हो चुका है 75 करोड़ रुपए। आपको बता दें दोस्तों फिल्म शुरुआती चार दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हो चुकी है। दोस्तों ये था इन तीनों फिल्मों का अब तक का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अगर आपने ये तीनों फिल्में देखी तो इसमें से आपको सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी लगी, छिछोरे, सेक्शन 375 या फिर ड्रीम गर्ल? अपनी फेवरेट फिल्म का नाम कमेंट करके जरूर बताएं और डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।